अखंड भारत पर पहली बार आया भारत का बेबाक जवाब, जवाब से लगा पड़ोसी मुल्कों को मिर्ची। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। भारत सरकार ने बयान जारी किया है कि इस मुद्दे को लेकर के 28 मई से ही बवाल मचा हुआ है। 28 मई को जब भारत को नया संसद मिला तो एक तस्वीर ने भारत के पड़ोसी देशों में हंगामा खड़ा किया था। हर जगह यह खबर आग की तरह फैल गई कि भारत की नई संसद में अखंड भारत का नक्शा लगाया गया है। कई लोगों ने अपने अपने अंदाजे बयान करने शुरू कर दिए। पाकिस्तान और नेपाल में तो भगदड़ मच गए और एक तिल का तार मचा दिए ये लोग। लेकिन इनको पता नहीं था कि भारत तो अपना ही स्वर्णिम सम्राट, महान सम्राट अशोक के जिंदा दिली और इंसानियत का प्रचार प्रसार करते हुए वह इस नक्शा को लगाए हैं। तिल का तार बनाने वाले को बेबाक जवाब। जैसे ही सोशल मीडिया में फैली यह आग के तरह पाकिस्तान और नेपाल घबरा गए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत विस्तारवादी है, भारत पड़ोसी देशों में कब्जा करना चाहता है। इसके बाद आपको बता दें कि नेपाल के पूर्व दो प्रधानमंत्रियों ने इस नक्शे को हटाने की मांग कर दी, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर भारत ने खुल करके जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्री के प्रवक्ता अरुण बागची ने जो यह जवाब दिया है वह बवाल खड़ा करने वाले देशों को एक जोरदार तमाचा है। अरिंदम बागची ने अखंडे नक्शे की सच्चाई बताते हुए कहा कि संसद में जो नक्शा लगा है वह सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक के साम्राज्य के फैलाव को दिखाया गया है और सम्राट अशोक के जिम्मेदाराना लोगों के प्रति एक प्यार समर्पण को दिखाता है, यानी कि गवर्नेंस को दिखाता है। यह सभी चीज़ें साफ साफ लिखी गई है, लेकिन न जाने बेवजह क्यों तिल का तार बनाया जा रहा है पड़ोसी मुल्कों के माध्यम से। इस तरह की बेवाक जवाब के बाद में पड़ोसी मुल्क जो हैं वह शांत हो गए हैं। अभी भी देखना है कि आगे वो क्या करते हैं इस मुद्दे को लेकर के। अरिंदम बागची की हैसियत दिखाते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे पे क्या कह रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, लेकिन नेपाल के नेताओं के बयान है, उनके विचार हैं। बागची ने कहा कि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प दहल ने